नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ज़ेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सीगेट की 500 जीबी की पाइपलाइन हार्ड डिस्क और अनबॉक्स करके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है और कितना बढ़िया है। तो फिलहाल अभी देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अभी हमको ये कुरियर अमेज़न की तरफ से मिल चुका है जिसमें हमारी सीगेट की हार्ड डिस्क है। तो चलिए इसको फटाफट ओपन करके देख लेते हैं। और अमेज़न की तरफ से आई है, पैकिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग अच्छी तरह से की गई है। हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं पहले। तो बॉक्स ओपन होने पर हमें सबसे पहले बिल मिलती है। टोटली हार्ड डिस्क हमको पड़ी है 1500 की, सीगेट की हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क डेस्कटॉप वाली 500 जीबी। तो बिल को करते हैं साइड में और काफी अच्छी पैकिंग की गई है, कोई प्रॉब्लम ना हो, पैकेट को इधर उधर फेंका जाए, इस पर का भी यूज किया गया है। पैकेट को इधर उधर फेंकें तो भी कोई दिक्कत ना आए, काफ़ी अच्छे से पैकिंग की गई है। और फिर ये रही हमारी हार्ड डिस्क, सीगेट की पाइपलाइन हार्ड डिस्क 500 जीबी की है। इसको काट देते हैं के बाद ये रही हार्ड डिस्क। देख सकते हैं कितने स्लिम हार्ड डिस्क है और 500 जीबी की केवल 1500 रुपए में है। यही हार्ड डिस्क अगर आप मार्केट से ले जाएंगे तो 2000 के आसपास आपको पड़ेगी करीब। अभी इसमें कोई विंडो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं पड़ा हुआ है, तो हम इसको कंप्यूटर में लगा करके पहले चेक करते हैं और इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो, ये अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। हो सकता है कि जब आप ले रहे हो तो प्राइस इसकी कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क को हमने अपने सिस्टम में सेकेंडरी हार्ड डिस्क की तरह से यूज कर लिया है, इसको लगा दिया है। अब चल करके देखते हैं कि सिस्टम में हमारे शो कर रहा है या नहीं। तो माय कंप्यूटर पर क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको स्टोरेज में क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ हार्ड डिस्क शो कर रही है, ये हार्ड डिस्क आपकी डिस्क 2 जो दिख रही है, ये आपकी सीगेट वाली पाइपलाइन हार्ड डिस्क, ये अनएलोकेटेड दिखा रहा है अभी, इसको अभी एलोकेटेड कर देंगे। अगर आपको यही हार्ड डिस्क प्राइमरी हार्ड डिस्क बना के यूज करनी है तो आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल करके यूज कर सकते, लेकिन हमें इसको सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज करनी है तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट न्यू सैंपल वॉल्यूम करके और सेकेंडरी डिवाइस की तरह यूज कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने न्यू सैंपल वॉल्यूम बना लिया था, ड्राइव रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर हार्ड डिस्क अनएलोकेट नहीं दिखा रहा है, पहले अनएलोकेटेड दिखा रहा है, अब यहाँ पर हेल्थी दिखा रहा है प्राइमरी पार्टीशन। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और माई कंप्यूटर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क एफ ये दोनों नए वॉल्यूम बने, 300 जीबी और 164 जीबी का ये दो वॉल्यूम बनाया। सी और ई जो है ये पहले से था। तो ये हमारी हार्ड डिस्क शो करने लगी है और अब हम इसमें अपना कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के खरीद सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।